अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, कोई भी बैंक, कोई भी प्राइवेट फाइनेंस कंपनी आपको क्रेडिट कार्ड के लिए ऑफर नहीं कर रही है, तो आप बना सकते हैं गैलेक्सी क्रेडिट कार्ड। जी हां गाइस, गैलेक्सी क्रेडिट कार्ड आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? एक डिजिटल क्रेडिट कार्ड जिसको आप ऑनलाइन ऑफलाइन शॉपिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। दरअसल मैंने पिछली वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कैसे आप गैलेक्सी क्रेडिट कार्ड बना सकते हैं। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया था, आप वीडियो देख सकते हैं आई बटन में क्लिक करने के बाद। उस वीडियो के अंदर मेरे पास काफी कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिससे हमसे पूछ रहे हैं कि भाई हमें बता दीजिए क्या हम गैलेक्सी क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट कर सकते हैं मैन्युअली या फिर ऑटोमेटिकली हमारे बैंक अकाउंट से कटते हैं। तो गाइज आपके भाई आज आपको बताएंगे कैसे आप गैलेक्सी क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे। अगर आप बनाना चाहते हैं गैलेक्सी क्रेडिट कार्ड तो आप आई बटन में क्लिक करने के बाद वो वीडियो देखकर बना सकते हैं गैलेक्सी क्रेडिट कार्ड, जिसके अंदर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता रखा है। चलिए देखते हैं कैसे गैलेक्सी क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट करते हैं ऑनलाइन। चलिए शुरू करते हैं। गाइज अगर आप बनाना चाहते हैं एक डिजिटल क्रेडिट कार्ड, आप बना सकते हैं गैलेक्सी क्रेडिट कार्ड। जी हाँ गाइज, गैलेक्सी कार्ड आपको यहाँ पर मिल रहा है जिसके अंदर आपको मिल जाती है एक लिमिट जिसको आप ऑनलाइन ऑफलाइन शॉपिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप प्ले स्टोर में जाएंगे, यहाँ पर आपको दिखाई देगा इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड यानी गैलेक्सी कार्ड की एक एप्लीकेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर आप बना सकते हैं एक डिजिटल क्रेडिट कार्ड जो आप बना लेंगे केवल 3 मिनट के अंदर लाइव प्रूफ के साथ। मैंने ये दिखा रखा है कैसे आप इस क्रेडिट कार्ड को बनवा सकते हैं, देखना चाहते हैं वीडियो आप आई बटन में क्लिक करने के बाद देख सकते हैं। आपको अगर पहले से मिला है गैलेक्सी क्रेडिट कार्ड उसका रीपेमेंट आप कैसे कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर आप वो देखने वाले हैं। आपको क्या करना है, अगर आपके पास पहले से गैलेक्सी क्रेडिट कार्ड है एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद गाइस अगर आप एक नए कस्टमर तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा, इस कार्ड को आपको अप्लाई करना होगा। मेरे पास पहले से है गैलेक्सी क्रेडिट कार्ड जो आपको अभी दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। 1000 रुपये की लिमिट मुझे यहाँ पर मिली हुई है। यहाँ पर मुझे रिपेमेंट करना है 87 या 86 रुपये का रिपेमेंट मुझे यहाँ पर करना है। ठीक है, रिपेमेंट कैसे करते हैं मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। अगर आपको गैलेक्सी क्रेडिट कार्ड मिलता है तो गाइस आप इसको ऑनलाइन यूज कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, आप जो है बिल पेमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। इस कार्ड के लिए अगर आपको कोई ऑफर मिलता है तो ऑफर आपको नीचे दिखाई देंगे, आप यहाँ पर शॉपिंग भी कर सकते हैं। अगर आप अपने डिजिटल क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं उसका रिपेमेंट कैसे कर सकते हैं वो देखने के लिए आपको क्या करना है, यानी रिपेमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट एक्सटेंशन का ऑप्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है गाइस, यानी देखिए अगर आपके पास पैसे नहीं है उस टाइम पे पेमेंट करने के लिए तो आप इसका एक्सटेंशन भी ले सकते हैं। गेट एक्सटेंशन ऑफ वन डे यानी एक दिन का भी ले सकते हैं। 10% बिल आप यहां पर पे कर सकते हैं, 15 रुपए की फीस यहां पर लगेगी। लेकिन मैं यहां पर फुल पेमेंट करूंगा तो आपको नीचे क्या करना है, पे फुल बिल नाउ पे क्लिक करना। मैं आपको यहां पर सजेस्ट करूंगा कि आप यहां पर पूरा का पूरा बिल ही पे करें, कम मत करें तो करना होगा। जैसे आप पे फुल बिल नाउ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहां पर वो अमाउंट डालने जितने के आपका पेमेंट है। ठीक है, तो यहां पर जो है गाइज हमारा जो अमाउंट है वो तकरीबन 87 रुपए का, हम यहां पर पे फुल बिल नाउ पे क्लिक करते हैं। जैसे पे फुल बिल नाउ पे क्लिक करेंगे उसके बाद हम रीपेमेंट में जाएंगे। रीपेमेंट में जाने के बाद गाइज अब आपको यहां पर क्या करना है, चूज करना है पेमेंट मेथड, कौन से पेमेंट मेथड आप चूज करना चाहते हैं। मैं यहां पर यूपीआई करूंगा क्योंकि यूपीआई से यहां पर करने से फीस नहीं लगती है। उसके बाद आप यहां पर चूज कर लीजिएगा फोन पे, वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना होगा, वेरीफाई एंड पे पे क्लिक करना होगा। उसके बाद गाइज आपको यहां पर अपनी वो एप्लीकेशन ओपन करनी है। देखिए ऊपर आ चुका है मेरे पास, मैं चलिए पे पे क्लिक करता हूं। पे पे क्लिक करने के बाद गाइज अब आपको यहां पर एक बार लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद पे पे क्लिक करना होगा और पे पे क्लिक करने के बाद आपने सेंड पे क्लिक करना होगा। यहां पर आपको पासकोड डालना होगा, ठीक है, और आपका पेमेंट जो है यहां पर सक्सेसफुली हो जाएगा। ठीक है, हम यहां पर कर रहे हैं अपने गैलेक्सी कार्ड का रिपेमेंट, पेमेंट हमारा सक्सेसफुली यहां पर हो चुका है। चलिए वापस से जाते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर और यहां पर आप देख सकते हैं हमारा रिपेमेंट यहां पर सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, तो यहां पर बिल हमारा पे हो चुका है सक्सेसफुली और गाइज अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो गाइस हमने यहाँ पर अब अपना टोटल रिपेमेंट कर दिया, हमने यहाँ पर फालतू पैसे ऐड कर दिए, 1003 रुपये हो चुका है लिमिट मेरी 1000 रुपये की। ठीक है, तो गाइस आप इस तरीके से गैलेक्सी क्रेडिट कार्ड का रिपेमेंट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। चलिए मिलते हैं कल नए वीडियो साथ, अगले भी जितना ही ये वीडियो बताया। थैंक यू सो मच।